चलिए बनाते हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है, हल्का सा मैं ऊपर का निकाल के ले रही हूँ। अब हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। एक चम्मच बटर, इसे भी स्प्रेड करके लेना है अच्छे से। पिज़्ज़ा सॉस के पहले आप बटर लगा सकते हो, मैंने बाद में लगा दिया था। कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, ये कटी हुई शिमला मिर्च। आपके घर में जो भी वेजिटेबल है आप उसमें डाल सकते हो, जैसे कि कॉर्न, मशरूम। मेरे पास ऑलिव था तो मैंने ऑलिव को कट करके लिया है, आप इसमें ऊपर से डालूंगी। जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह के मैंने दो पिज़्ज़ा बना के लिया था, एक मैं आपको दिखाऊंगी गैस के पैन के ऊपर और दूसरा मैं दिखाऊंगी माइक्रोवेव में। जो माइक्रोवेव में हमारा पिज़्ज़ा जा रहा है मैं उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस थे, मैंने तोड़ के बराबर दोनों पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर लिया है। माइक्रोवेव को मैंने थोड़ी देर प्री हीट करके रखा था, एक पिज़्ज़ा हमारा गया ये माइक्रोवेव में। दूसरा गैस पे मैंने पैन चढ़ा के लिया था, थोड़ा सा बटर लगा के लिया। दूसरा पिज़्ज़ा गया हमारा पैन के ऊपर। इसे ढकना है करीब करीब 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ये हो गया हमारा पैन वाला पिज़्ज़ा रेडी। देखिए चीज़ कैसे मेल्ट हो गया है। और दूसरा वाला हमारा ये वाला पिज़्ज़ा है ओवन वाला। दोनों पिज़्ज़ा सेम टेस्ट में लगते हैं लेकिन ओवन वाला थोड़ा सॉफ्ट बनेगा एज़ कम्पेयर टू पैन वाला पिज़्ज़ा। थैंक यू।